शॉर्ट सर्निंग, आप लोगों का सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन। वेल, सच बताऊ तो ये देखो, स्टार्ट करो। ओके, ये मजाक था, बट फाइनली वेलकम टू मिस्टर मिको Q&A वीडियो। भाई, आपकी फर्स्ट वायरल शॉर्ट कौन सी थी? कितने जल्दी इतने सब्सक्राइबर, कैसे कितना कमा लेते हो? मतलब असली यूट्यूब इनकम। वेल गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे पता है, मैंने 2 महीने पहले जब मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे तब मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, और अभी 3 मिलियन भी होने वाले हैं। यही तो होती है शॉर्ट चैनल की पावर। देखो, क्वेश्चंस तो बहुत सारे, बट जैसे कि ये मेरा फर्स्ट Q&A वीडियो है, इसलिए आधे से ज्यादा लोगों के क्वेश्चंस तो सेम ही है। जैसे कि मेरा असली नाम प्रशांत राठौड़ है और मैं पुणे में रहता हूँ। वेल, मैं 16 साल का हूँ, इसीलिए मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, ओके, तो अब बिना टाइम वेस्ट करे असली Q&A स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आपने अपने चैनल का नाम मिस्टर मिको क्यों रखा, और रीजन? मुझे बस ऐसा नाम रखना था जो यूनिक हो, इजी हो और सबको याद रहे, बस। भाई, आपकी फर्स्ट वायरल शॉर्ट कौन सी थी? एक्चुअली वो इस चैनल से नहीं थी, मेरे सेकेंड चैनल से थी, और मुझे अच्छे से याद है उसके ऊपर 1.7K व्यूज आए थे। हाँ, ये मेरे लिए उस टाइम सबसे बड़ा नंबर था। फर्स्ट फोन कौन सा था? मेरे पास 10RG था, वो जो कि सेकेंड हैंड था, और अभी ये सैमसंग का है, ये भी सेकेंड हैंड है। कैमरा मैन कौन है? मेरा भाई है, और अभी तो ये स्टैंड पे, पर बाकी वीडियो में वही रिकॉर्ड करता है। विच इज दी हार्डेस्ट टास्क दैट यू एवर डन? सच बताऊँ तो वो इटेबल वाटर बॉल वाला था, क्योंकि मैंने उसको पूरा 2 बार शूट किया और दोनों बार वो बॉल बनी नहीं। फिर मुझे पता चला ये मुझसे नहीं बनने वाली, क्योंकि मैं कॉमर्स वाला हूँ। What is your biggest fear? Losing you all. Journey of 1K. देखो, ये चीज बहुत लोगों को नहीं पता है, ये मिस्टर मिको 2.0 चैनल है ना, अभी इससे पहले एक और चैनल था सेम टू सेम, उसके ऊपर मैंने 7 वीडियो डाले थे, और मेरा एम था कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूं, पर मैं 7 वीडियो अपलोड करने के बाद बीमार पड़ गया और गैप यूट्यूब को पसंद नहीं है, इसलिए वो चैनल डिलीट करके ये चैनल खोला, और इसके ऊपर 600 सब्सक्राइबर तो मिस्टर मिको शॉर्ट्स के आ गए थे, तो इस पे तो जल्दी हुए, पर जो मिस्टर मिको शॉर्ट्स है उसके ऊपर सच में पापड़ बेलने पड़े, उस पे तो 1K बहुत मुश्किल से हुए, और क्यों हुए वो भी बताता हूँ। उसके ऊपर टेक्नो गेमर का वीडियो वायरल गया था, वो भी वो टेक्नो गेमर गोल्डन डोर है ना, वो वीडियो बनाया था, और वो भी अनलिस्टेड है। और आपके बेस्ट फ्रेंड का रिएक्शन क्या था जब आपके 2 मिलियन हो गए? कितना कमा लेते हो? मतलब असली यूट्यूब इनकम। सच बताऊं तो मुझे अभी बस शॉर्ट्स बोनस ही मिलता है, असल में मेरा इस चीज पे इतना कोई फोकस नहीं है, पर इतना मिल जाता है जिससे मैंने ये माइक लिया है, ये सामने वाली लाइट, और पीछे जो जो भी दिख रहा है वो साइड वाली लाइट, और सामने एक स्टैंड, पर रियली में बहुत ही कम मिलता है। वॉट इज योर फेवरेट थिंग डूइंग इन वीडियोज? सच बताऊ तो वीडियो रिकॉर्ड करने से भी ज्यादा मुझे वीडियो का सारे चीजों को इकट्ठा कर, मतलब सेटअप करना वीडियो के बारे में, वो मजा आता है। हाउ डज योर पेरेंट्स रिएक्ट इन स्टार्टिंग? देखो, मम्मी पापा का स्टार्टिंग से ही फुल सपोर्ट है, क्योंकि उनको पता है यूट्यूब से पैसे आते और कैसे चलता है यूट्यूब, पर मम्मी का बस एक ही क्वेश्चन है कि ये टिकटॉक की तरह कभी उड़ गया तो, इसलिए मम्मी बोलती है बाकी चीज भी करो। ओके, बहुत लोगों ने मुझे ये भी पूछा है, आपका वीडियो रिकॉर्डिंग सेटअप बताओ, मतलब BTS। तो मैं सारे शॉर्ट्स और ये वीडियो भी अभी रिकॉर्ड हो रहा है iPhone 13 पे, जो कि मेरे भाई का है, और मेरे पास एक लैपटॉप भी है जो कि ASUS TUF F, उसके आगे का मुझे याद नहीं, और ये माइक HyperX Codecast, इसके पहले मेरे पास बोया का था, और लाइट है कुछ, एक दो लाइट है। अब नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है कि इतने जल्दी इतने सब्सक्राइबर कैसे? देखो, मैंने पहले भी बताया है, जब तक हमारी बड़ी ऑडियंस नहीं बन जाती तब तक हमें डेली अपलोड्स करना है, जो कि मैंने भी किया है। अब सेकेंड, शॉर्ट्स वायरल करने के पीछे ट्रिक क्या है? मैजिक। देखो, इसके पीछे कोई भी ट्रिक्स नहीं है, टैग, डिस्क्रिप्शन, ये कुछ भी मैटर नहीं करता, एक वीडियो वायरल होने का रीजन खुद वीडियो ही होता है, इसलिए मैं यही बता देता हूँ कि मैं वीडियो कैसे बनाता हूँ। देखो, सबसे पहले आइडिया, जिसके लिए सबसे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जितनी अच्छी आइडिया होगी उतनी ज्यादा वीडियो वायरल होगी, और फिर मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ जिसको मैं कुछ पार्ट में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग के 3 सेकंड, जिसके अंदर हमें कुछ ऐसा बोलना है जिसको सुन के ऑडियंस हुक हो जाए, या फिर विजुअली कुछ यूनिक दिखाना है। फिर आगे 10 सेकंड में
हमें एक रीजन देना है एंड तक देखने के लिए, और फाइनली हमें एक स्टोरी बिल्ड करनी है जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो और एंड होते होते वो चैलेंज कंप्लीट या फिर फेल हो जाए। ठीक है, समझ गया। अभी थोड़े फास्ट क्वेश्चन। हॉबी टैलेंट क्रिंज पिलाना, एक्सेप्ट यूट्यूब व्हाट विल यू डू, टकाटक पे लिस्टिंग करना, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट शुरुआत हो चुकी है, फेवरेट यूट्यूबर हर्ष बेनेवाल, बीबी के वाइंस, एरेक, एनीमे नहीं देखता। तेरा क्या बोला तूने? गेम माइनक्राफ्ट पबजी सीरीज, कभी मैंने गेम अच्छे से खेला ही नहीं कौन सा भी। फेवरेट टीवी शो तारक मेहता, ऑल टाइम फेवरेट। देखो आदि क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, पर इस वीडियो के लिए इतना ही। लेकिन मैं आपसे इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहूंगा और वहां पे छोटे बड़े क्यों नहीं करेंगे, इसलिए फॉलो एंड सब्सक्राइब।